मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 19 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट 8 दिन मून पर रहकर वापस आई। चंद्रमा के सतह से सक्सेसफुली वापस लौटते हुए यह छठवां मिशन था और आखिरी भी। 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं चंद्रमा के सतह पे अपोलो 17 टीम के बाद किसी और ने कदम नहीं रखा, पर क्यों? UFO Insights के राइटर और एडिटर इयान स्टीफंस का मानना है कि नासा मून पे दोबारा इसलिए वापस नहीं जा रही है क्योंकि वहां गुप्त रूप से एडवांस्ड एलियंस बसे हुए हैं। इयान स्टीफंस के मुताबिक ये एलियंस मून के डार्क साइड में बसे हुए हैं और वहां से वे पृथ्वी के हर गतिविधि पे नजर रखे हैं। ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के पार्ट 3 में भी दिखाया गया था। स्टीफंस के मुताबिक नासा के लिए बेस्ट यही होगा कि एलियंस के अस्तित्व को ही नकार दिया जाए। नासा की एक्स एम्प्लॉय डोन्ना हेयर भी उनको इस बात पे सपोर्ट करती है। 1970 में नासा के फोटो लैब्स में डोन्ना काम किया करती थी। उनका कहना है एक समय पे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उनसे टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते थे। उनका ये भी कहना है कि एक मून मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को 3 UFO यानी कि 3 उड़ंत अश्तरी दिखे थे। उसके बाद जब तक वे चंद्रमा में थे तब तक वो उड़ंत अश्तरी उनका पीछा करते रहे। नासा के एक और एक्स एम्प्लॉय कार्ल वुल्फ का कहना है कि 1965 में नासा के एक लूनर ऑर्बिट प्रोजेक्ट में काम करते वक्त उनको एलियंस होने का फोटोग्राफिक सबूत मिला। कार्ल बताते हैं उन फोटोज में मशरूम के आकार के बिल्डिंग्स, टॉवर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स थे जिसे नासा ने पब्लिक से छुपाने का निर्णय लिया। एक और हैरान कर देने वाली घटना में मॉरिस कैटलिन नाम के लेखक ने अपोलो मिशन के कुछ रेडियो मैसेजेस पब्लिश किए जिसमें बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने तब आसपास के क्रेटर पे उनको ऑब्जर्व करने के लिए एलियन स्पेसक्राफ्ट की लाइन लगी थी। जब उन्होंने ये बात नासा मिशन कंट्रोल को बताया तो उनसे शांत रहने को कहा गया ताकि ये बात बाहर न फैल जाए। नासा का कहना है कि वो अब ग्लोबल एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा होगी कि मून पर अगर जाना है तो उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इयान स्टीफंस का मानना है कि पब्लिक को अंधेरे में रखने का नासा का ये एक PR स्टंट है। 1968 में नासा ने R-277 नाम का एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जो कि चंद्रमा के सतह पे हो रहे 9600 रहस्यमय गतिविधियों का लिस्ट था। निकोलई कोजिरेव नाम के एक रशियन एस्ट्रोनॉमर ने 1958 में चंद्रमा के सतह पे अल्फोंसुस क्रेटर पे एक ब्लास्ट देखा था, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उस विस्फोट का रहस्य आज तक अनसुलझा है। 1977 में जॉर्ज लियोनार्ड ने कुछ फोटोग्राफ्स पब्लिश किए जिसमें चंद्रमा के सतह पे एलियन द्वारा बनाए गए फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। उस बुक में टाइको क्रेटर के भी फोटोज हैं। लियोनार्ड का कहना है कि उन फोटोज से साफ पता चलता है कि वह एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि एलियंस अपने छुपने के लिए बना रहे हैं। हालांकि इन सभी रहस्यों का एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला है, फिर भी वो चंद्रमा पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने का सबूत नहीं है। चंद्रमा पे न लौटने के कुछ और भी साधारण से कारण हो सकते हैं। अपोलो मिशन की लागत आज के रेट पे $110 बिलियन है। $19 बिलियन के नासा के 2017 के फेडरल बजट को देखते हुए चंद्रमा पे जाना आर्थिक रूप से लगभग नामुमकिन है। नासा का कहना है कि वो अब वक्त के हिसाब से अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजीज पे बदलाव ला रही है। पहले के मिशन का उद्देश्य सिर्फ इतना होता था कि लोगों को चंद्रमा पे ले जाओ, झंडे फहराओ और वापस ले आओ, पर अब ऐसा नहीं है। नोट करने वाली बात यह भी है कि उस समय सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी जिसकी वजह से उन दो देशों के बीच स्पेस रेस की शुरुआत हुई जिसमें वो दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि कौन ज़्यादा आगे है। इस वजह से भी मून पे पहुंचना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
ऐसा सिचुएशन इन दो देशों के बीच आज नहीं है, पर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कभी भी तनाव बढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि नासा ने लूनर एक्सप्लोरेशन को इग्नोर नहीं किया है। 2010 के ग्लोबल लूनर कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने चंद्रमा के सतह पे 2050 तक एक ऑपरेशनल बेस तैयार करने की बात बताई। इस बेस को स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे और आगे स्पेस ट्रेवल में सहायता मिलेगी। हालांकि चंद्रमा से जुड़े अभी भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, पर वो एलियन लाइफ होने का कोई सबूत नहीं है। नासा, इसरो और स्पेस एक्स जैसी संस्थाओं का स्पेस प्लान और एक्शन यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष यात्रा तो बस अभी एक शुरुआत है। आप और किस टॉपिक्स में वीडियोस चाहते हैं और हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखते रहें। धन्यवाद।